नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपसे आलू सीम की सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और वही मसाले जो रोजाना सब्जी में हम डालते हैं उसी मसाले से बनाएंगे। सब्जी बनाने की तरीका थोड़ा अलग होगा, और इस तरीके से बनाने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैंने 300 ग्राम सीम लिए हैं, जो हरा कलर और चपटा शेप में आता है वही सीम लिए हैं, और इसका रेशा उतार कर अच्छी तरह से पानी से धो लिए हैं, और फिर 4 टुकड़ों में काट लिए हैं। और आलू 2 पीस लिए हैं, और इसे भी लंबा लंबा शेप में काटे हैं। देखिए इस तरह से काटेंगे सब्जी को, से पहले रेशा उतार लेंगे इस तरह से, और इस तरह से ना निकले तो आप इस तरह के से चाकू की सहायता से इस तरह से साइड से काट भी सकते हैं थोड़ा, और बीच में 2 टुकड़ा कर लेंगे, फिर 2 टुकड़ा बीच से भी कर लेंगे। इस तरह सब्जी काटने से सब्जी में अंदर तक मसाले जाएंगे तो सब्जी टेस्टी बनेगी। और आलू भी इस तरह लंबे लंबे शेप में काटेंगे, देखिए 2 चीरा लगाएंगे, फिर इस तरह से थोड़े छोटे छोटे पीस में काटेंगे लंबे लंबे। और एक प्याज को बारीक काट लिए हैं, एक टमाटर का पेस्ट है इसके जगह आप एक टमाटर बारीक काट कर भी ले सकते हैं, एक लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा लिए हैं, और 3-4 कली लहसुन और आधा इंच अदरक का टुकड़ा को कूट लिए हैं, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक लेंगे या 1 छोटी चम्मच से कम, और तेल 1 बड़े चम्मच। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। तो गैस ऑन करके पैन रख कर तेल रख लिए हैं, तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालते हैं लाल मिर्च और तेज पत्ता, दोनों के थोड़ा पका लेंगे, फिर डालेंगे इसमें जीरा, और जीरा को इस तरह से चला देते हैं, चटक चुकी है। अब इसमें डालते हैं प्याज, और प्याज को इस तरह से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो देखिए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिए हैं, अब इसमें डालते हैं आलू, और आलू को भी चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा ये पक जाए तब तक हम चलाते हुए पका लेंगे इसे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए आलू भुन चुका है, आलू का कलर चेंज हो गया है, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है आलू को, जस्ट इस तरह का। तो अब इसमें डालते हैं मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ये कुटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे थोड़ा चलाकर भून लेते हैं, जस्ट थोड़ी देर भूनेंगे इसे। अब इसमें डालते हैं टमाटर का पेस्ट, या टमाटर आप काट कर ले रहे हैं तो इसी वक्त डालें, और थोड़ा सॉफ्ट होने तक टमाटर पका लें। अभी तो मैं पेस्ट डाली हूँ तो उतना सॉफ्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा भून ले इसमें। अब इसमें डालते हैं सीम, और सीम को भी पहले मसाले में मिला ले अच्छी तरह से, और इसमें नमक भी डाल देते हैं इसी वक्त। नमक डालने से सीम जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए भून लेते हैं थोड़ी देर, और फिर ढक देंगे तो सीम जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए 3 मिनट पकाएंगे पहले इसे। तो देखिए मैंने 3 मिनट बीच बीच में चलाते हुए पका लिए हैं सीम को, लो फ्लेम पर ही पकाए हैं। अब गैस का फ्लेम हाई कर लिए हैं, और अब इसमें डालते हैं पानी। देखिए अच्छी तरह से सीम भी भून चुका है,
सॉफ्ट भी हो चुका है ये सीम, तो अब पानी डालेंगे। यदि आप इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना चाहते हैं तो इसे 3-4 मिनट और ढककर पका लीजिए लो फ्लेम पर। सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल और पक जाएगी। मैं अभी 3-4 चम्मच पानी डाल रही हूँ इसमें और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। फिर गरम मसाला डाल लेंगे इसमें और ढककर 3-4 मिनट पकाएंगे इसे लो फ्लेम पर ही। अब सब्जी को ढक लिए हैं, अब 3-4 मिनट इसे लो फ्लेम पर बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए मैंने बीच बीच में चलाते हुए 3 मिनट पकाए हैं सब्जी को। तो सब्जी पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है अच्छी तरह से, और इसे इस तरह से चेक भी कर सकते हैं एक फॉर्क की सहायता से। देखिए तो अच्छी तरह से ये सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और धनिया पत्ता इसमें डालकर और सर्व करेंगे सब्जी को। मिला लेते हैं अच्छी तरह से इसे और सब्जी का टेक्सचर देखिए। तो चलिए सर्व करते हैं इसे। तो मैंने सब्जी को सर्व कर लिए हैं और इस सब्जी को आप किसी भी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। और इस समय फ्रेश सीम मिल रहा है तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी में।